हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए आरआरबी का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी बताया था कि हम हाइड्रोलॉजी को कैसे कैसे डील करेंगे और कैसे कैसे हम उसको स्टडी करेंगे, क्या सिक्वेंस रहने वाला है हमारा हाइड्रोलॉजी के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से। कल ही मैंने बता दिया था मेरे क्या क्या चैप्टर्स होने वाले हैं और मैं उसको कैसे कैसे डील करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। क्या था मेरा चैप्टर नंबर 1? इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर इज, तो चैप्टर नंबर 1 फॉर हाइड्रोलॉजी, दिस इज द चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी, क्या क्या पढ़ेंगे हम उसमें। अगर आपको याद हो तो, सॉरी, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियोज़ के अंदर, के इस चैप्टर के अंदर, और पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। और सभी वैसे तो मैंने आपको पूरा हाइड्रोलॉजी डिस्कस किया था कल की हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमें किस किस तरह से उसको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। पहला चैप्टर है मेरा इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, हाइड्रोलॉजी जो होता है, डेट इज हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी बेसिकली वर्ड, दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला हाइड्रो और दूसरा लॉजी। हाइड्रोलॉजी इज बेसिकली मेड फ्रॉम द टू वर्ड, डेट इज आपका उसमें आता है हाइड्रो और दूसरा आता है लॉजी। हाइड्रो, हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रो को ग्रीक वर्ड से बना है, हाइड्रो इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर। हाइड्रो इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, डेट इज जिसको बोलते हैं हाइडोर। क्या बोलेंगे? हाइडोर। हाइड्रो इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, डेट इज हाइडोर। इट इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, लिख देता हूं मैं यहां पे, इट इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर। एंड लॉजी इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेट इज लोगस। क्या मतलब होता है लोगस का? लोगस का मतलब होता है स्टडी। लॉजी इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, क्या नाम है ग्रीक वर्ड का, अभी लिख देता हूं यहां पे, आपको याद रहेगा बाद में भी। लॉजी इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस। क्या मतलब होगा लोगस का? L O G O S, लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। और हाइडोर का मतलब होता है वाटर। लोगस का जो मीनिंग होता है डेट इज स्टडी, एंड लो हाइडोर का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। इधर लिख देता हूं इसको भी मैं, वाटर एंड स्टडी। बेसिकली हाइड्रोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, पहला हाइड्रो, सेकेंड लॉजी। हाइडोर इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइड्रो, हाइडोर। हाइडोर का मतलब होता है वाटर। लॉजी इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस, एंड लोगस का जो मीनिंग होता है डेट इज स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। नो, हम स्टडी, चूंकि हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में हम कौन सी स्टडी करते हैं? हम करते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो वी कैन सी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वाटर है कहां पे एक्चुअली। ये वाटर आपके अर्थ सरफेस पे भी हो सकता है, या फिर अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर भी हो सकता है। या एक दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम ये बोल सकते हैं कि वो साइंटिफिक स्टडी जो किसके साथ डील करेगी, कि ये वाटर, जिस वाटर की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, ये वाटर मेरे अर्थ में, अर्थ सरफेस पे, या अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर कैसे इसका अकरेंस है, अकरेंस मतलब कहाँ का मिलता है ये आपको, एंड हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मेरे एटमोस्फेयर के अंदर ऑन द अर्थ सरफेस या अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये फ्रोजन फॉर्म में, ये फ्रोजन फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, या कह सकते हैं गैसेस फॉर्म में। एंड हाउ इट इज सर्कुलेट, ये सर्कुलेट कैसे होता है एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ सर्फेस और अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर। सर्कुलेशन का मतलब क्या है? कि एक फेज से दूसरे फेज में कैसे ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे फेज में कैसे ट्रांसफर होता है, इसका मोमेंट कैसा है, उन सभी की जो साइंटिफिक स्टडी होगी इनफैक्ट की, उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजी। क्या बोलने वाले हैं उसी को हम? हाइड्रोलॉजी। समझ में आया? फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हाइड्रोलॉजी बेटा बेसिकली वर्ड से मिलकर बना है, दो वर्ड से, हाइड्रो और लॉजी। हाइड्रो को ग्रीक में, हाइड्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइडोर, जिसका मतलब होता है वाटर। लॉजी ग्रीक वर्ड से मिलके, लॉजी इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी।
अब आगे दो वर्ड आए आपके, वाटर और स्टडी। लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर हम कौन सी स्टडी करते हैं? साइंटिफिक स्टडी। कौन सी स्टडी करेंगे? साइंटिफिक स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। लेकिन कौन से एरियाज है जिनकी साइंटिफिक स्टडी करनी है मुझे? तो ये हम कह सकते हैं हाइड्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वाटर दैट डील्स विद द अकरेंस। ये वाटर कहां पे अकरेंस है, किस जगह? मेरे अर्थ सरफेस पे, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी अकरेंस कहां पे? ये इसका सर्कुलेशन कैसे होता है? सर्कुलेशन का मतलब है कि एक फेज से दूसरे फेज में कैसे ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे फेज में कैसे ट्रांसफर होता है। और उसके बाद आता है हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर अर्थ या अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो सकता है कि लिक्विड फॉर्म में कैसे है, लिक्विड फॉर्म में या फ्रोजन फॉर्म में या फिर अपने गैसियस फॉर्म में। इन सभी एरियाज की इन सभी फैक्ट की जो साइंटिफिक स्टडी होगी उसी को मैं क्या बोलने वाला हूं, उसी को मैं बोलूंगा हाइड्रोलॉजी। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक देखते हैं, डेट इज इसी के अंदर होगा, आपको दिख रहा होगा इधर से नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का क्लासिफिकेशन, तो बेटा हाइड्रोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और दूसरी होती है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी इज क्लासिफाइड बेसिकली इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी, लिख देता हूं मैं इधर, जो पहला आता है डेट इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी एंड सेकेंड वन इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। फर्स्ट वन इज साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी, सेकेंड वन इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी फर्स्ट वन थी मेरी साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी और दूसरी है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अब साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है और साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी की स्टडी मुझे नहीं करनी है। ठीक है, साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है और मुझे उसकी स्टडी नहीं करनी है। मुझे क्या पढ़ना है? केवल इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो क्या होती है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी? तो वो हाइड्रोलॉजी विच इज चीफली कंसर्न विद द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के साथ ही कंसर्न होती है वो हाइड्रोलॉजी, जो किसके साथ कंसर्न होगी? केवल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के साथ, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। तो लिख देता हूं इसके अंदर, लिखी देता हूं इधर देखिएगा, ए स्टडी विच इज चीफली कंसर्न विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ए स्टडी विच इज चीफली कंसर्न विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। क्या है वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस? इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या हो, कौन सी वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है? जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन हो सकती है वाटर एस्टिमेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। आपने वाटर रिसोर्स का एस्टिमेशन कैसे करेंगे कि जितना आपके अर्थ सरफेस पे वाटर है उसमें कितने परसेंट सलाइन वाटर है, कितने परसेंट आपका फ्रेश वाटर है, कितने परसेंट आपका फ्रोजन फॉर्म है, कितना आपका लिक्विड फॉर्म है। इन सभी की स्टडी किसके अंदर आती है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आएगी। सेकेंड वन जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकती है, स्टडी ऑफ प्रोसेस। द स्टडी ऑफ प्रोसेस सच एज प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करनी है मुझे, एवोपरेशन की अंडरस्टैंडिंग करनी है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करूंगा और एवोपोट्रांसपिरेशन, इनका कोज क्या है, क्यों हो रहा है, ये मेरे स्टडी का पार्ट नहीं है। वो पार्ट किसका है? साइंटिफिक हाइड्रोलॉजी का, कि किसी भी सरफेस से एवोपरेशन क्यों हो रहा है वो सब मुझे नहीं पढ़ना है। बस मुझे प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली है क्या, एवोपरेशन है क्या, ट्रांसपिरेशन है क्या और एवोपोट्रांसपिरेशन क्या है। इन सभी की स्टडी किसके अंदर आएगी? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर। इसी में सबसे लास्ट में आता है द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम सच एज फ्लड एंड ड्रॉथ। मैंने जैसे कल प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका फ्लड एंड ड्रॉथ, ड्रॉथ तो शायद आई थिंक हम डिस्कस करेंगे उसको भी, तो फ्लड क्या होता है, फ्लड से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, वो सब तरीके, वो उन सब की स्टडी किसके अंदर आएगी? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर आएगी। तो यही सब एप्लीकेशन किसके अंदर आने वाली है? इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर, और यही सब मुझे पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया था, क्लासिफिकेशन के बाद अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो होने वाला है, मैंने आपको कल भी बताया था व्हाई वी स्टडी हाइड्रोलॉजी, हम हाइड्रोलॉजी को पढ़ क्यों आए एज ए बींग ए सिविल इंजीनियर। तो why we study hydrology
हम हाइड्रोलॉजी को पढ़ क्यों रहे हैं? आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे बींग ए सिविल इंजीनियर कि हाइड्रोलॉजी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर क्यों पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी। तो बींग ए सिविल इंजीनियर और स्पेशली वो सिविल इंजीनियर्स जो डिजाइनिंग और प्लानिंग में एंगेज होते हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। मान लो पहला सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे, मान लो ये कोई ब्रिज है, ये कोई आपका रिवर है, रिवर का प्लांस व्यू मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, रिवर का प्लान व्यू मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इस पर एक पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे मुझे कोई ब्रिज कलवर्ट या फिर कोई इरीगेशन स्ट्रक्चर बनाना है। इस पर्टिकुलर ये कोई रिवर है, इस रिवर के अंदर मैं लिख देता हूँ अंदर, ये कोई आपकी रिवर है, इस रिवर के अंदर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है एक्स एक्स, इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे आपको या तो कोई ब्रिज बनाना है या कोई कलवर्ट बनाना है या फिर कोई इरिगेशन स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप ये बता सकते हैं कि मान लो कुछ जब स्ट्रक्चर आप डिजाइन करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए डिजाइन करें, हो सकता है आप 10 साल के लिए डिजाइन करो उसको, हो सकता है 20 साल के लिए डिजाइन करो, हो सकता है आप उसको 50 साल के लिए डिजाइन करो। मान लिया मैंने इस स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को 50 साल के लिए यानी कि 50 ईयर्स के लिए डिजाइन किया है, तो ये बता सकते हैं तो वह क्या आप जब आप इस स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आने वाले 50 साल में कि नेक्स्ट 50 इयर्स में कितना मैक्सिमम फ्लो इस रिवर के पर्टिकुलर सेक्शन पे आ सकता है। ये कौन बताएगा आपको? ये स्टडी बताएगी हाइड्रोलॉजी, इसलिए हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मान ले आने वाले 50 साल के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे कितना मैक्सिमम फ्लो आ सकता है, कितना पीक डिस्चार्ज आ सकता है, ये कौन स्टडी कौन बताने वाला है आपको? हाइड्रोलॉजी बताने वाला है। ठीक है, समझ में आया पहला पॉइंट क्यों आया? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इधर देखिए, मान लो कि हम हाइड्रोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर, क्या जरूरत है मुझे हाइड्रोलॉजी को पढ़ने की? तो मैंने आपको पहले ही बताया था अभी कि हाइड्रोलॉजी अगर वही सिविल इंजीनियर्स या वो इंजीनियर्स जो कि स्पेशली इन्वॉल्व हैं इन द डिजाइनिंग एंड प्लानिंग ऑफ द इरीगेशन स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज इरीगेशन स्ट्रक्चर्स या फिर कोई ब्रिज बनाना है या कोई कलवर्ट बनाना है, उनकी डिजाइनिंग या प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं। तो सपोज कीजिए ये रिवर हो गया, रिवर का प्लान भी हो गया, मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन सेलेक्ट किया एक्स एक्स, जहाँ पे आपको या तो कोई इरीगेशन स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्शन करना है या कोई ब्रिज बनाना है या फिर कोई कलवर्ट बनाना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स के ऊपर। ठीक है, अब जब आप इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो किसी ईयर्स के लिए डिजाइन करेंगे, हो सकता है आपको 10 साल के लिए डिजाइन करो या 20 साल के लिए डिजाइन करो या आप हो सकता है कि 50 साल के लिए इसको डिजाइन करो। ठीक है, तो जब आप होने से मैंने सपोज एजम्पशन के लिए एक वैल्यू मान ली 50 साल कि मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने वाला हूँ 50 साल के लिए। ठीक है, तो 50 साल के लिए जब मैं डिजाइन करूंगा तो मुझे ये भी पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे आने वाले 50 साल के अंदर कितना मैक्सिमम फ्लो मैक्सिमम पीक डिस्चार्ज कितना आ सकता है रिवर में। ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा हाइड्रोलॉजी। इसकी किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? हाइड्रोलॉजी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं हाइड्रोलॉजी? तो फर्स्ट वन रीजन इज दिस। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट था। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हाइड्रोलॉजी की स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो सेकंड पॉइंट है, मान लो सेम रिवर है, मैंने वही सेम रिवर ले ली, उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे आपको कोई रिजर्वायर बनाना है। इस रिवर के पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स पे क्या बनाना है आपको? कोई रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन के रिवर के सेक्शन पे कोई जब रिजर्वायर बनाएंगे तो आपके मिनिमम इफिशियंसी कितनी, मिनिमम रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप जिस पर्पज के लिए उस रिजर्वायर को बनाए, किस पर्पज के लिए बनाए? हो सकता है आपने उस रिजर्वायर को किसी इरिगेशन, हो सकता है इरिगेशन लैंड के लिए इरिगेशन करने के लिए बनाया हो, किसी पर्टिकुलर एरिया को इरिगेशन पर्पज के लिए बनाओ, या फिर हो सकता है कि आपने म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए डिजाइन किया हो। तो इतनी उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर द एडिक्वेट वाटर सप्लाई ऑफ द एडिक्वेट वाटर सप्लाई फॉर इरीगेशन पर्पज एंड म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। ये कौन बताएगा आपको? ये भी आपको बताएगा कौन? ये भी आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो सेकंड रीजन आपका ये है हाइड्रोलॉजी पढ़ने का। ठीक है, थर्ड रीजन देखते हैं, थर्ड रीजन क्या है? चलिए थर्ड रीजन देखते हैं। सेकंड फर्स्ट देखा, फर्स्ट के बाद सेकंड देखा, और अब थर्ड रीजन देखते हैं कि व्हाई वी स्टडी द हाइड्रोलॉजी। तो थर्ड रीजन क्या हो सकता है हाइड्रोलॉजी को स्टडी करने का? तो थर्ड रीजन, अब मान लीजिए सेम रिवर है आपका, सेम रिवर है, सेम प्लान व्यू है, सेम पर्टिकुलर सेक्शन है। इस रिवर के पर्टिकुलर सेक्शन पे मान लीजिए आपने रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन करना था फॉर इरिगेशन पर्पज और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, बट इस सेक्शन पे, रिवर पे जब आपने रिजर्वायर बनाना है, मान लो
कि इस रिजर्वायर में आपको 100 क्यूमेक वाटर की रिक्वायरमेंट है। 100 क्यूमेक वाटर आप डिस्चार्ज के टर्म में भी बता सकते हैं या फिर वॉल्यूम के टर्म में भी बता सकते हैं, इतना आपको वाटर चाहिए यहाँ पे। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन किया है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको क्या पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपको यह भी पता होना चाहिए क्या उस पर्टिकुलर सेक्शन पे उतना रिजर्वायर, उतना वाटर सप्लाई अवेलेबल हो सकता है। अगर मान लो आपने ऐसे सेक्शन पे रिजर्वायर बनाया जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है आपको, लेकिन अवेलेबल पॉसिबल सप्लाई आपके पास नहीं है, तो इससे पहले आपको यह भी स्टडी करनी पड़ेगी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पास, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आपकी अवेलेबल पॉसिबल सप्लाई है या अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये मेरा थर्ड रीजन था। और भी नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जैसे हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आता रहेगा कि क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इतने फैक्टर बता रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजी। एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, एप्लीकेशंस हाइड्रोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो पहला एप्लीकेशन आप जैसे मैं भी डिस्कस कर रहा था, इन द डिजाइन ऑफ ब्रेज कलवर्ट या फिर किसी इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने में हो सकता है, और एप्लीकेशन आपका फ्लड कंट्रोल में हो सकता है या फिर आपको पीक फ्लड डिस्चार्ज निकालने में आ सकती है वैल्यू इसकी, और भी हो सकते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे आगे वीडियोज आती रहेंगे, आपको खुद ही एप्लीकेशन समझ में आती रहती है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि एप्लीकेशन एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है इस इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सिविल इंजीनियर्स फॉर, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको उसने दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन स्ट्रक्चर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑप्शन इज डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑप्शन इज डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन स्ट्रक्चर। सेकेंड जो मेरा ऑप्शन हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन है आपका डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट, सेकेंड ऑप्शन इज डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट। थर्ड ऑप्शन इज फ्लड कंट्रोल वर्क, थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, फ्लड कंट्रोल वर्क, थर्ड ऑप्शन इज फ्लड कंट्रोल वर्क, थर्ड ऑप्शन इज फ्लड कंट्रोल वर्क। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ये भी हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑल ऑफ अबव, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ अबव। तो देखिए इधर क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कि हाइड्रोलॉजी इज नेसेसरी फॉर ए सिविल इंजीनियर, एक सिविल इंजीनियर के लिए हाइड्रोलॉजी क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर, सही बात है, मैंने भी डिजाइन किया था इरिगेशन स्ट्रक्चर्स बनानी है आपको, तो ऑब्वियसली बात है आपको पीक फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होगा, पीक फ्लड डिस्चार्ज कौन बताएगा आपको, हाइड्रोलॉजी की हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट, ये भी अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को कि इन डिजाइनिंग ऑफ ब्रिज एंड कलवर्ट भी आपका हाइड्रोलॉजी नेसेसरी है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे रिवर के आपने ब्रिज या कलवर्ट बनाया वहां पर आपको क्या चाहिए होगा, पीक फ्लड डिस्चार्ज, इसलिए आपको हाइड्रोलॉजी पढ़ने के नेसेसरी है। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या आपका सही है। थर्ड वन इज द फ्लड कंट्रोल वर्क, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्लड कंट्रोल को, फ्लड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ड्रोथ को कैसे कॉम्बैट करेंगे, ये भी एक रीजन है हाइड्रोलॉजी पढ़ने का। तो ऑप्शन नंबर इज थ्री भी आपका क्या है, करेक्ट। उसने लास्ट में एक ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव, यानी कि सारे ऑप्शन सही है, तो आंसर इज फोर्थ, सारे आंसर क्या आपके सही। बस यही एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है इसी तरह का, इस पर और भी जितनी मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, वो सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं या फिर बीइंग ए सिविल इंजीनियर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब यही था मेरे इंट्रोडक्शन के पहला पॉइंट, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और बीइंग ए सिविल इंजीनियर हम हाइड्रोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर, मिलते हैं।